गुड मॉर्निंग एवरीवन नाम क्या है तेरा? कमलेश। एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 हो रहे हैं अभी, और पिथौरागढ़ का टेम्परेचर है -1°C। हम जा रहे हैं चंडाक, तो आपको मैं रेडी होके मिलता हूँ। तो गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी विद माय हेलमेट और ये गॉगल्स और ये ग्लव्स। तो चलते हैं, साइकिल देखते हैं कहाँ पे है। तो ये रही हमारी साइकिल जो है एक्सीट की, ट्रेनी साइकिल है अभी फ़िलहाल। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे APS रोड से, यहाँ पे है यूनिवर्सल, और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिड़े से चंडाक के लिए। तो हमने स्टार्ट किया है बिड़े से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे सोबित मेहर। कुछ कुछ पार्ट दिखा सकते हैं क्योंकि अभी कुछ फैसिलिटी नहीं है। वीडियो क्वालिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं थोड़ी, और साउंड क्वालिटी के लिए भी। ये है रॉयल इनफील्ड शोरूम, जिसको बुलेट लेनी होगी बता देना, चचा विधायक हैं, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे अब KTM शोरूम था, अब यामा शोरूम बोल चुका है। अब यहाँ पे यामा की स्कूटीज बिकती है, बाइक बिकती है। जो KTM का शोरूम था, KTM का शोरूम नीलकंठ में आ गया है। अब नीलकंठ वाले इसे सेल करते हैं, जिसको चंडाक का रास्ता नहीं पता है, जो आउट ऑफ पिथौरागढ़ वाले हैं, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि हमने स्टार्ट किया था बिंड से आप यहाँ पहुँचेंगे जाखनी में। अभी तिराए से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो लेफ़्ट से पहुँचेंगे आप स्टेशन, बस स्टैंड पहुँचेंगे, जहाँ आप जिसे कहते हैं केमू स्टेशन। और हम यहाँ से राइट को जाएंगे, जहाँ से हम पहुँचेंगे सिमलगैर से ऊपर वाली रोड से जाएंगे हम चंडाक को। ये है जाखनी तिराया। कुछ चीज़ मिली जो हमारे काम आ सकती है, वो है ये की, मिलेगी KTMs। ये है बजाज का शोरूम, सुजुकी का। तो KTM भी अब यहीं शिफ्ट हो चुके हैं, सर्विसिंग प्रोडक्ट सेल सब यहीं होता है। और वहाँ आप देख सकते हैं वो है एकलव्य डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे आर्मी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताएं कैसी लगी वीडियो, और क्या क्या इनोवेटिव कर सकता हूँ वो भी बताना। अपनी ओर से एक छोटी सी कोशिश है, इसको आपका स्नेह चाहिए। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, ये सौंदा की दुकान, जहाँ पे हम चाय पियेंगे, उसके बाद ऊपर पे चलेंगे। सौंदा दो चाय दे देना। तो चाय पी ली है,
स्टार्ट करते हैं। पिथौरागढ़ में टैलेंट की कमी नहीं है। अभी आपको एक अंकल से मिलाएंगे, उनका इंटरव्यू दिखाएंगे। मोस्ट टैलेंटेड पर्सन यार अभी तक का जो देखा है, बहुत अच्छे हैं अंकल, मेरठ से पढ़े थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सोबित हमें गाइडेंस दे रहे हैं, सोबित मेहर, खास मित्र सोबित मेहर, जो हमारे साइकिलिंग पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे लगे रहती हैं वड्डा बिन कासने के लिए गाड़ियाँ, टैक्सी गाड़ी हैं ये। और यहाँ पे है होटल 78। यहाँ से नीचे जा सकते हैं, आगे है देव सिंह मैदान, पर हमें यहाँ से राइट लेना है क्योंकि हमें झंडाक के लिए जाना है, तो ऊपर जाना होगा। आगे जो रोड राइट को जा रही है वो जाती है भाटकोट। यहाँ पे सभी अधिकारियों के क्वार्टर्स हैं। इस तरफ देख सकते हैं राइट को, हमें लेफ्ट लेना है। लेफ्ट से यहाँ पे लगती है, ये है गले में खराश। धूप भी आ चुकी है, लगाम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लगी रहती है जूलाघाट, खटीमा, धारचूला, पिथौरागढ़ के लिए टैक्सी गाड़ियाँ। सुबह सुबह पिथौरागढ़ का नज़ारा देखने में कुछ अलग ही मज़ा है। यहाँ से आज नीचे देख सकते हैं, यहाँ जाते हैं वही के लिए, ऊपर को जाते हैं चंडाक के लिए। बीच में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यहाँ से जो आप लेफ्ट में रोड देख रहे होंगे वो जाती है गांधी चौक के लिए, गांधी चौक, सिमलगैर। और पिथौरागढ़ में होटल फैसिलिटीज़ बहुत हैं, और यहाँ पे रावत भोजनालय, यहाँ पे खाना बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी। ज़्यादातर क्लिनिक्स हैं, मेडिकल स्टोर। और हमारे राइट साइड पे देख रहे होंगे, राइट साइड पे है नैनीताल बैंक, जो कि मैंने कल ही खाता खोल रखा है क्योंकि 12,000 रुपये मिलने वाले। कॉलेज में हड़कंप पहुँचा है 12,000 के लिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लेफ्ट साइड से जो नीचे को रोड जा रही है वहाँ पे है न्यायालय, जनपद न्यायालय पिथौरागढ़ है यहाँ पे। और यहाँ से जो राइट में रोड जा रही है वहाँ को जाते हैं लिंठुड़ा को जाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़। सबसे पहले आता है रक्तदान, रक्तकोष विभाग। उसके बाद आता है मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में। ये है एम्बुलेंस फैसिलिटी टू। हिंदी लैंग्वेज में ही मज़ा आता है। इससे जो आपको तिराया जैसा दिख रहा है वहाँ पे से है, यहाँ पे से नीचे को जाते हैं मार्केट को, सिमलगैर को, और वहाँ से ऊपर जाते हैं चंडाक को। तो चलिए ऊपर को चलते हैं। वो रहा जो है चंडाक की फैक्ट्री, जो बहुत सालों पहले बंद हो चुकी थी। अगर ये बन जाती है तो फिर लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, रोज़गार का एक जरिया शुरू हो सकता है। यहाँ से थोड़ा घर में बहुत से बेरोज़गार हैं, युवा से लेकर उसके आगे की पीढ़ी। आपको यहाँ बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पर्सन दिख जाएंगे, कोई एम्प्लॉयमेंट मिलना मतलब
एक ड्रीम ही हो सकता है। बहुत सारे ब्रीड के डॉग्स दिखेंगे, पिटबुल, हस्की, लैब्राडोर, पमेरियन, जर्मन शेफर्ड। मंजिल के करीब हैं थोड़े से, मंजिल के थोड़े और करीब पहुंचते हुए आज हम वरदानी तक ही जाएंगे चंडाक पे, जहाँ पे कि हमारा नेशनल फ्लैग है जो कि बहुत ही बड़ा है। ये देख सकते हैं हमारा नेशनल फ्लैग दिख रहा है। अभी वो हवा नहीं चल रही है तो फ्लोट नहीं हो रहा है, तो बहुत ही प्यारा सा दिखता है। सुनो सबकी, करो मन की वरदानी। सो गाइस, तो हम पहुंच गए थे वरदानी। वरदानी तो आपने देख ही लिया होगा, ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हमारा फ्लैग जो कि बहुत ही प्यारा दिखता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे से। और यही है वरदानी, और यहाँ से सबसे प्यारा सा व्यू आता है। और वहाँ पे देख सकते हैं एक पिलर है, ऊपर बैठ सकते हैं वहाँ पे। और ऊपर पहाड़ के पीछे है फैक्ट्री जो मैं बता रहा था, तो एक बार ऊपर जाके देखते हैं ऊपर क्या क्या है। ऊपर से अच्छा व्यू आएगा, यहाँ पे बैठने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ से आप मेरे पीछे जो पहाड़ देख सकते हैं वो है नंदा देवी, पंचाचूली, मुंशारी से ज़्यादा पास पड़ता है, आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं वहाँ पे। अभी 31st है आज, 31st पे होगी वहाँ पे पार्टीज़ होंगी। बस यही था ओवरऑल, अभी हम वापस जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।